वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में मैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखाऊंगा। तो से प्रॉब्लम टी हलो ए ट्रायंगल एबीसी हैज इट साइड्स एबी इज इक्वल टू 40 mm अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड साइड बीसी इज इक्वल टू 30 mm अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। थ्री फोर्सेस ऑफ 40 newton, 50 newton एंड 30 newton एक्ट अलोंग द साइड्स एबी बीसी एंड सीए रेस्पेक्टिवली। डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ साचे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ये हलो से प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्व करार आगे हमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की भावे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेटा नहीं एक वीडियो बनिए रेखे। तो से वीडियो तुम्हारा प्रथम देखे नेटार लिंक हमें डेस्क्रिप्शन बक्से दिए रखब। तपर ये प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो देखें। तो ये ये फिगर से ड्र कर नहीं तीनटे फोर्स, एक फोर्स 30 newton, एक 40 newton, एक 50 newton। तो देखो 40 newton हॉरिजॉन्टल वाइज काज कर, 50 newton वर्टिकल काज कर, 30 newton फोर्स आता देखो थीटा डिग्री एंगेले काज कर। तो ये दोटो कम्पोनेंटे भांगब, एक हॉरिजॉन्टल कम्पोनेंट, एक वर्टिकल कम्पोनेंटे। तो हॉरिजॉन्टल कम्पोनेंट है यहाँ और वर्टिकल कम्पोनेंट है हमारे यहाँ। तो ये जेहेतु थीटा एंगेल तो ये हलो थीटा। तो ये जो थीटा है तेल ये दिक्कत हलो 30 cos theta और ये 30 sin theta। एबार एखाने देखो थीटार भैल्यू देवा नहीं cos theta sin theta भैल्यू किन्तु पाच्छी ना, तेल आमादेरके cos theta sin theta भैल्यू बेर करते हबे। आमरा कि जानी sin theta इज इक्ुअल टू लम्ब बाय अतिभुज और cos theta इज इक्ुअल टू भूमि बाय अतिभुज। तेल एखाने देखो ये जो थीटा अंगेल है ये हलो लम्ब जेटार भैल्यू हलो 30 mm और देखो हमारे भूमि हलो ये 40 mm क्योंकि देखो अतिभुजर जो भैल्यू आज से देवा नहीं। अतिभुज समान बेर करब, तेल अतिभुज समान जो बेर करते जाए सूत्र की जानी सूत्र अतिभुज इज इक्ुअल टू रूट ओवर अफ ab² + bc² ab² + bc². तो ये ए बी एर भैल्यू हमें पुट करब, एखे हमारे ए बी एर भैल्यू हलो 40 mm 40 तार होल स्क्वायर, बी सी एर भैल्यू हलो 30 mm 30 तार होल स्क्वायर। एबार एखाने जदि आमरा एटाके सल्व करी ताहले एटा बेरोबे आमादे 50 mm 50 mm आमरा ए सी एर भैल्यू पेलाम। तो एटा हलो आमादे 50 mm। एटा जखन आमरा पेये गेलाम एबार देखो आमरा साइन थीटा और कस थीटा समान बेर करते पारबो। तो साइन थीटा इज इक्ुअल टू, साइन थीटा इज इक्ुअल टू देखो साइन थीटा मान बी सी बाई ए सी, तो बी सी हलो 30 और ए सी हलो 50। तेल ये जो सल्व करी तेल साइन थीटा इज इक्ुअल टू बेरोबे 0.6 यहाँ और देखो कस थीटा अपना बेर करब। एबार कस थीटा, कस थीटा इज इक्ुअल टू हमें ए बी बाई ए सी, तो ए बी हलो 40 और ए सी हलो 50। तो ये जो सल्व करी से बेरोबे 0.8 साइन थीटार कस थीटार भैल्यू हमें पे गलम। एबारे 30 cos theta और 30 sin theta भैल्यू किन्तु पे जाब। एबारे ये रिजल्व करब, प्रथम हॉरिजॉन्टल रिजल्व करब तपर वर्टिकल रिजल्व करब। तो हॉरिजॉन्टल जो रिजल्व करते जाए तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौनगुलो आछे, एटा हलो हॉरिजॉन्टल फोर्स और एटा हलो हॉरिजॉन्टल फोर्स, दुटो एखाने हॉरिजॉन्टल फोर्स आछे, एकटा आछे बाँ दिके एकटा आछे डान दिके। तो एटा जेहेतु आमादेर बाँ दिके आछे ताहले एटा हलो नेगेटिव और एटा हलो डान दिके आछे एटा हलो पजिटिव। ताहले आमरा कि करब, एबार बेर करब सामेशन अफ एच, अतएव समेशन अफ एच इज इक्ुअल टू 40 हलो पजिटिव माइनस 30 cos theta। एबार 40 - 30 cos theta, कस थीटा भैल्यू हलो 0.8 ये जो सल्व करी तेल एटार भैल्यू है 16। तेल समेशन अफ एच बेर हलो, अतएव एबार समेशन अफ भी हमें बेर करब भि। तेल वर्टिकल फोर्स कौनगुलो आछे, एटा हलो अपवर्ड 50 newton और 30 sin theta, एटा हलो आमादेर डाउनवर्ड। तहले अपवर्ड हलो पजिटिव और डाउनवर्ड हलो नेगेटिव, ताहले 50 एटा हलो पजिटिव माइनस 30 sin theta। एबार एखाने आमरा sin theta भैल्यू पुट करब, 50 - 30 sin theta, sin theta भैल्यू हलो 0.6 0.6, एटाके जदि आमरा सल्व करी ताहले पाबो 32। ताहले आमादेर हॉरिजॉन्टल कम्पोनेंटेर सामेशन पे गलम और वर्टिकल कम्पोनेंटे सामेशन पे गलम। एबारे रेजल्टेंट बेर करब, अतएव रेजल्टेंट आर इज इक्ुअल टू रूट ओवर अफ सामेशन अफ एच तार होल स्क्वायर प्लस सामेशन अफ भि तार होल स्क्वायर। ताहले
সামেশন অফ পি এইচ আমরা কত পেয়েছি, আমরা পেয়েছি 16 তার হোল স্কোয়ার প্লাস সামেশন অফ ভি পেয়েছি কত, পেয়েছি 32 তার হোল স্কোয়ার। এটাকে যদি আমরা সলভ করি তাহলে পাবো আমরা 35.8, যেটা উইন্ড হবে নিউটন। এটা হলো আমাদের অ্যান্স, তাহলে রেজাল্টেন্টের ভ্যালু হলো 35.8। এই হলো খুব সিম্পল ম্যাথ। তো এই ম্যাথটাতে আমরা কি করলাম, ম্যাথটাতে প্রথমে আমরা কি করলাম যে অতিভুজ এসি আছে, এসি এর ভ্যালু বের করলাম, তারপরে সাইন থিটা আর কস থিটা এর ভ্যালু পুট করলাম। সাইন থিটা সমান লম্ব বাই অতিভুজ আর কস থিটা সমান ভূমি বাই অতিভুজ, সেভাবে ভ্যালু পুট করে সাইন থিটা আর কস থিটা বের করলাম। তারপরে আমরা এই কম্পোনেন্টে যে কম্পোনেন্টে ভেঙেছিলাম 30 নিউটনকে, যেহেতু এটা ইনক্লাইন ছিল, কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে কাজ করছিল থিটা অ্যাঙ্গেলে, ওই জন্য আমরা এটা কম্পোনেন্টে ভেঙে নিলাম, একটা সাইন থিটা কম্পোনেন্ট আর কস থিটা কম্পোনেন্ট। এবার তাহলে আমরা সামেশন অফ পেজ বের করলাম, সামেশন অফ পেজে ডান দিকের ফোর্স আর বাঁ দিকের ফোর্স আমরা বীজগাণিতিক যোগফল করলাম, তো বাঁ দিকের ফোর্স এটা নেগেটিভ, ডান দিকের ফোর্স ওটা পজিটিভ, সেটা আমরা করলাম, সেটা বেরোলো সামেশন অফ পেজ সমান 16। সামেশন অফ ভিতে আমরা তাই আপওয়ার্ড ফোর্স আর ডাউনওয়ার্ড ফোর্স বীজগাণিতিক যোগফল করলাম, সেটা বেরোলো আমাদের 32। এবার আমরা সামেশন অফ পেজ, সামেশন অফ ভি যখন পেয়ে গেলাম তখন আমরা বের করলাম রেজাল্টেন্টের ভ্যালু বের করলাম, রেজাল্টেন্ট আর ইজ ইকুয়াল টু যে ফর্মুলা আছে সেটা বসালাম, সেটা ভ্যালু পুট করে আমরা পেলাম 35.8। তো এই হলো রেজলিউশন অফ ফোর্সের উপরে একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম। আশা করি প্রবলেমটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। এই চ্যানেলের আরও আপডেটেড ভিডিওর জন্য এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো।